16 मई आज पूरे देश में नेशनल डेंगू डे मनाया जा रहा है और पंजाब सेहत विभाग की ओर से आम जनता को जागरूक करने के लिए सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। वहीं आज मोगा सेहत विभाग की ओर से एक जागरूकता रैली का आयोजन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की ओर से किया गया और डेंगू से बचने के लिए हर तरह से उपाय बताए गए और जनता के प्रति शुक्रवार को ड्राई डे मनाने की अपील की। वहीं इस मौके पर जिला मोगा के डेंगू विभाग के स्वास्थ्य अधिकारी मोहिंदर पाल लुम्भा ने बताया कि 16 मई आज पूरे भारत में नेशनल डेंगू डे का आयोजन किया जा रहा है और मोगा में भी सरकारी अस्पताल की ओर एक जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है और आम जनता को यह संदेश दिया जा रहा है कि डेंगू से बचने के लिए अपने घरों के आसपास पूरी साफ सफाई रखी जाए और हर शुक्रवार को ड्राई डे के रूप में मनाया जाए। हाँ जी, आज नेशनल डेंगू डे मनाया जा रहा पूरे देश के जिहड़ा। इस दिन नूं 16 मई नूं नैशनल डेंगू डे के तौर पर मनाया जाता ता कि लोगों नूं डेंगू प्रति जागरूक किया जा सके। तो अज सेहत विभाग मोगा वालों सिविल सर्जन मोगा जी ने रैली जी फ्लैग ऑफ की है और ये रैली जी मोगा शहर के बाजारों की लंघती हुई लोगों को यही सुनेहा दे रही है कि हर शुक्रवार जिहड़ा हैगा ट्राई डे मनाया जाए, घर घर के जिहड़ा हैगा इहदी जागरूकता पहुँचती की जाए ता कि लोग जिहड़ा हैगा डेंगू तो जिहड़ा बचा कर सकन अपना, क्योंकि जो एक बार ये बीमारी हो जाती है तो फिर साडी धन ते सेहत की बर्बादी होंदी है। डेंगू नूं प्रकाशन लई की डेंगू के प्रकॉशन लिए असी जिहड़ा हैगा इस बार बहुत पहला ही उपराले शुरू कर दिते है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, चलान हले नहीं कट्टे जा रहे पर जिहड़ा लारवा सानू तकरीबन हर रोज़ मिल रहा कई कई थावां ते, सो जिन्हां जिथे भी लारवा मिल रहा असी उन्हां लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि आले दुआले जिहड़े सफाई रखी जाए।